हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शरीर को होगा कायाकल्प फायदा। इतनी बीमारियां दूर हो जाएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। चाहे आप युवा अवस्था में हैं, बुजुर्ग अवस्था में हैं, चाहे आप बच्चे हैं, सभी उम्र के लोग इसका सेवन करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाले सुपर फूड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें सुपर फूड की तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि दूध सुपर फूड है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। बहुत से लोगों को लगता है कि संतरा मौसम का सुपर फूड है क्योंकि इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। कई लोगों को लगता है पालक सुपर फूड है क्योंकि इसमें आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन एक सुपर फूड है जिसमें ये सारे पावरफुल चीजें हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम दूध से कई गुना ज्यादा है, आयरन पालक से कई गुना ज्यादा है, गाजर से कई गुना ज्यादा, इसमें विटामिन ए है। ये सुपर फूड क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले जानते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मोटापा घटाना चाहिए और यही बीमारियों का कारण है, तो आपको मैं बता दूं, स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिख कर भेजिएगा। या फिर आप बहुत पतले हैं तब भी आप बताइए, आप अपने आइडियल वेट पर आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर यस लिख कर भेजिए, मेरी कॉल आएगी और मैं आपको बताऊंगी कौन से तरीके से आपको पतले होना है और आइडियल वेट पर आना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सुपर फूड की कि उसके क्या क्या फायदे हैं। अगर आप इस समय बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं तो आप इस सुपर फूड के बारे में नहीं जानते, तो आप फिर इस बहुत बड़ी जानकारी से अनजान है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप कहेंगे कि सुपर फूड वो होना चाहिए जिसमें हमारे पास आयरन आ जाए, कैल्शियम आ जाए, न्यूट्रिएंट्स आ जाए, विटामिन्स आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुपर फूड में आपको प्रॉपर एनर्जी देने के लिए विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। इसीलिए यह आपके लिए और हमारे लिए एक सुपर फूड है। आपको इधर उधर की कोई भी गोली या टॉनिक खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुपर फूड का यूज करके आप तमाम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कई बार हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सूजन रहने लगती है। कई बार आपने देखा होगा चोट लग जाती है तो नीला निशान पड़ जाता है, तो इसे कहते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन के कारण ही कई लोगों को कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, ऐसी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। ये सुपर फूड इस इन्फेक्शन को ठीक कर देगा, यानी कि अब आपको अलग से दर्द को, सूजन को दूर करने के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरी बात आती है, जब हम अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी को जो सेल्स हैं वो 1.5 लाख तक के प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उस प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इस प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड। जितने अच्छे आपको अमीनो एसिड मिलेंगे, उतना ही खूबसूरत आपकी स्किन आपके लिए प्रोटीन बनाएगी, शरीर को खूबसूरत बनाएगी, निखारेगी। इस सुपर फूड में लगभग सभी तरह के अमीनो एसिड हैं जो कि स्किन पर ग्लो लाते हैं, स्किन पर चमक लाते हैं। अब आप एक ही सवाल होगा कि इस सुपर फूड का नाम क्या है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन तीसरा फायदा आप जान लीजिए पहले। दोस्तों, हमारी एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके कारण हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को डैमेज करते रहते हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे पास बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट हो। जो आज जिस सुपर फूड में बात कर रही हूँ उसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों, अभी इस समय जो बीमारी चल रही है, जो युवाओं में हो रही है, ज्यादातर हार्ट अटैक या बुरा कोलेस्ट्रॉल लोगों को फेस करना पड़ रहा है, तो इस सुपर फूड के द्वारा हम बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर कर सकते हैं। चलिए, अब इस सुपर फूड का नाम आपको मैं बताने जा रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका सेवन कैसे करना है। इसका सुपर फूड का नाम है कसूरी मेथी। जो मेथी के पत्ते होते हैं उनको सुखा लेते हैं, ये कसूरी मेथी कहलाती है। मेथी के पौधे की खास बात यह है कि इसे चमत्कारी पौधा कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्ते और इसके बीज हमारे लिए अमृत के समान है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके पत्तों के कितने जबरदस्त फायदे हैं। इसकी पत्तियों में जितने गुण हैं गिने नहीं जा सकते, ये लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। कसूरी मेथी के जो पत्ते हैं उनका पाउडर हमारी बॉडी को वो एंजाइम देता है जिससे आपका लीवर अंदर से सही हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आपकी बॉडी को जितना भी नुकसान हो रहा होता है वो दूर हो जाता है, आपका लीवर फिर से नए जैसा बन जाता है। इसके साथ साथ ये आपके पेट के लिए वरदान है। इसमें बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक कर देते हैं। आपकी आंखों में हेल्दी बैक्टीरिया को ठीक करने में ये मदद करते हैं। इसका सेवन आपके पेट को ठीक कर देगा।
आपके डाइजेशन को ठीक कर देगा, आपकी ब्लॉटिंग, आपका गैस बनना, ये सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। इसके अंदर दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम होता है मेथी दाने के अंदर। मतलब अगर आप अपनी आंखों को की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दांतों को मजबूत करना चाहते हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, घुटनों को मजबूत करना चाहते हैं, घुटनों के दर्द से, ऑस्टियोपोरोसिस से या ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा रहना चाहते हैं, तो कसूरी मेथी अमृत के समान है। ये मेथी के पत्तों को सुखाकर और पीसकर बनाया जाता है। अब ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार हैं, तो कसूरी मेथी मोटापे को भी दूर करती है, भूख को कम लगने देती है, ये बॉडी के अंदर फाइबर की मात्रा को बढ़ा देती है। सवाल उठता है कि आपको इन पत्तियों का पाउडर कितना लेना है। आपने सिंपल आधा चम्मच पाउडर लेना है, ठंडे या फिर नॉर्मल पानी जो होता है उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। बर्फ वाला पानी नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप सैलेड खाते हैं तो सैलेड के ऊपर ले सकते हैं। आप जूस पीते हैं तो जूस के अंदर आधा चम्मच इस पाउडर का मिक्स करके ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसे कब लेना चाहिए, तो आपको इसे दिन में कभी भी एक बार जरूर लेना है। इसका इस्तेमाल करने से पेट की और बॉडी की लाखों बीमारियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये धरती के लिए अमृत है पाउडर, इसका इस्तेमाल आप जरूर कीजिए और आपको जो जो फायदे मिले मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसकी अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।